गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? अच्छे से आप सबकी तैयारी चल रही है? वेरी गुड। रवीना कुमारी गुड मॉर्निंग सर भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लाइव आ जाइए, फिर जो है हम इसी चैप्टर को आगे और लास्ट में आज लेके चलते हैं। आज इसको जो है हम वो फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। शाबाश बेटा, जल्दी से आप जुड़ जाइए। इससे पहले की जो क्लासें हुई हैं उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और आपके फैट या ऑयल, इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि इन सब के अंदर हमने देखा है कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो आपका प्रोटीन था उसमें नाइट्रोजन भी होता है। ये मेन डिफरेंस था। प्रोटीन में नाइट्रोजन है इसलिए वो अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, और जब वो दोनों आपस में किसी बॉन्ड से बंधे हों या अमीनो एसिड आपस में किसी से जुड़े हों तो हम उसको पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिएगा, स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका, जिसका नाम है एंजाइम्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अक्सर क्वेश्चन आए हुए हैं एंजाइम्स। एंजाइम, शाबाश। देखिएगा, नीतू यादव गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। चलिए देखिए, पहले इसकी कहानी से ही स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम्स है क्या। तो बेटा, एक लाइन आप अक्सर पढ़ते हैं कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सभी एंजाइम्स को हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन है। तो चलिए देखिए, अगर सभी एंजाइम्स प्रोटीन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और इसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन भी होगा। तो पहली बात तो यही समझ गए हम कि एंजाइम्स जो है ये क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या है, आप कहेंगे सर जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या आप कह सकते हैं प्रोटीन से निर्मित है। ये आप ध्यान रखेंगे, से निर्मित है। पहली बात ध्यान से समझ लीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होने का मतलब यही है कि वो अपने आप में क्या है, प्रोटीन है। तो सभी कार्बनिक यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें ये चीजें प्रेजेंट हो हम उसको प्रोटीन बोल सकते हैं, यानी कि सभी एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ये वह कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन है, और बेटा प्रोटीन जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं। पहला आपका था जिसका नाम था फाइबर प्रोटीन, और दूसरा था ग्लोब्यूलर। अगर मैं ये कहूं कि इनकी संरचना, तो इनकी संरचना कैसी है, तो देखिएगा इनकी संरचना ग्लोयुबिर, और ग्लोयुबिर का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर गोलिकाकार। ध्यान से देखिएगा, इनकी जो है गोलिकाकार प्रोटीन जैसी होती है, जैसी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन आपका फाइबर प्रोटीन होता है या रेशेदार प्रोटीन होता है उनको बेटा हम कभी भी एंजाइम्स नहीं कह सकते। एंजाइम्स जो इसको कहा गया है वो बेटा आपका ग्लोबुलर, और बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर गोलिकाकार प्रोटीन। तो सभी गोलिकाकार प्रोटीन जो है वो आपके कैसे होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, क्या सभी
एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन लेकिन सभी प्रोटीन क्या नहीं है? आप कहेंगे सर सभी प्रोटीन जो है वो आपके एंजाइम नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा। सभी एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है वो बेटा एंजाइम्स नहीं होते, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ये बहुत फैक्ट है ये कि सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन हम ये कहेंगे क्या कि सभी जो प्रोटीन है वो एंजाइम्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस बताइए कि जिन प्रोटीन को हम एंजाइम्स नहीं कहते। तो आप कहेंगे सर एग्जाम्पल है, जैसे आप कहेंगे सर रेशेदार प्रोटीन, और रेशेदार प्रोटीन जो है उसके मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, क्या पहला नाम था जिसका नाम था क्रिएटिन, और बेटा क्रिएटिन ऐसा प्रोटीन है जो आपके बाल में, जो बेटा वूल ऊन में, या आप कह सकते हैं सिल्क, और सिल्क का मतलब होता है रेशम, तो आप ये कहेंगे बाल ऊन और रेशम में जो प्रेजेंट होते हैं, में उपस्थित। और ऐसे ही एक आपका नाम था जिसका नाम था फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, और एक नाम और होता है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर एक आपका क्रिएटिन, एक आपका फाइब्रोनोजन, और एक नाम होता है कोलेजन। ये वो प्रोटीन है बेटा जो आपके एंजाइम्स नहीं कहलाते। तो आप कहेंगे सर ये सारे के सारे प्रोटीन ज़रूर हैं, लेकिन बेटा ये कोई भी क्या नहीं है, आप कहेंगे सर एंजाइम्स नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा प्रोटीन एंजाइम की तरह कार्य नहीं करता, कौन सा प्रोटीन एंजाइम की तरह कार्य नहीं कर सकता? तो बेटा आपका या तो ऑप्शन हो सकता है क्रिएटिन, या आपका हो सकता है फाइब्रोनोजन, या हो सकता है कोलेजन। इन तीन प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, या सभी एंजाइम्स को हम प्रोटीन कह सकते हैं, केवल इन तीन प्रोटीनों को छोड़कर। ये प्रोटीन जरूर हैं, लेकिन बेटा ये आपके एंजाइम्स नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर आगे बढ़ा जाए तो देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, एंजाइम्स। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एंजाइम्स की वर्किंग या स्ट्रक्चर, संरचना या उसके कार्य पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे एंजाइम्स का अध्ययन क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर एंजाइम्स का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपका एंजाइम, एंजाइमोलॉजी, ये बात ध्यान रखेंगे। एंजाइमोलॉजी एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एंजाइम्स की संरचना, या आप ये कह सकते हैं एंजाइम्स के जो कार्य होते हैं, वो इस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारी सेल होती है उस सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, इसी तरह से हमारा टिश्यू होता है उस टिश्यू के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ऐसे ही हमारे एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स के अध्ययन को क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर एंजाइमोलॉजी, ये बात ध्यान रखें। तो बेटा बहुत अच्छा, यहाँ पर एक एक संरचना, एक एक बात आपको बता दी गई है कि इनकी जो संरचना होती है वो ग्लोबुलर, और ग्लोबुलर का मतलब होता है गोलिकाकार, यानी कि गोलाकार, और गोलाकार को बेटा आप राउंडेड भी बोल सकते हैं, या बेटा इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्पेरिकल भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे प्रोटीन जिनकी संरचना स्पेरिकल होती है, उन्हीं प्रोटीन्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, एंजाइम्स नाम दे सकते हैं। रेशेदार प्रोटीन को हम कभी भी क्या नहीं कह सकते, एंजाइम्स नहीं कह सकते। और प्रोटीन आपके मुख्य रूप से दो ही तरह के होते हैं, पहला होता है बेटा रेशेदार और दूसरा होता है गोलिकाकार। तो गोलिकाकार में जो भी नाम आता है आपका, जैसे आपका इंसुलिन आता है, हीमोग्लोबिन आता है,
वो एंजाइम भी है और उसके साथ साथ प्रोटीन भी है, लेकिन यहां पर नाम आया है क्रिएटिन, फाइब्रोनोजन और कोलेजन। ये आपके प्रोटीन जरूर है, लेकिन बेटा ये आपके एंजाइम्स नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। और एंजाइम्स का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेटा 50 टॉपिक, यानी कि अगर 50 क्लासों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो 50 टॉपिक ऐसे तैयार कीजिए कि आपके उसमें से 10 में से 10 नंबर आ जाए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, एंजाइम्स का जो कार्य होता है, ध्यान से देखिएगा, एंजाइम्स का जो कार्य यानी कि जो आपका फंक्शन होता है बेटा, वो यही होता है क्या कि किसी भी चीज को डीकम्पोज करना, तोड़ देना, एंजाइम्स का काम होता है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एंजाइम्स क्या है, तो हमारे शरीर में होने वाली जो बायोकेमिकल यानी कि जो जैव रासायनिक क्रिया है उसको धीमा भी कर सकते हैं और उसको तेज भी कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल में जैसे डाइजेशन आ गया, पाचन, या आप कोई दूसरी रिएक्शन करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, या बेटा आप चीज चीज को जिसको आप पनीर बोलते हैं, उनमें ये सारे के सारे काम करते हैं। इनके बिना चीजें कन्वर्ट नहीं हो सकती, अपना रूप नहीं बदल सकती। तो मैं इसको ये कह रहा हूं, क्या इसे क्या बोलते हैं आप, जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसको हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक, और इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं बायो केमिकल कैटलिस्ट। ये बात ध्यान रखेंगे, बायो केमिकल कैटलिस्ट ये इसको कहते हैं हम। तो कल को अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि एंजाइम्स क्या कहलाता है या उनका काम क्या है, तो आप कहेंगे जैव रासायनिक क्रियाओं को धीमा या तेज कर देना, ये एंजाइम्स का काम है और इनकी कार्य के आधार पर ही इसको ये नाम दिया गया है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट के नाम से आप जान सकते हैं। इसी तरह से देखिएगा, सबसे पहले बात आती है कब, आप कहेंगे सर 1833। ध्यान से देखिएगा, बात स्टार्ट होती है 1833, और 1833 में एक साइंटिस्ट आता है, एक मिनट, जिसका नाम होता है क्या, आप कहेंगे सर एनी लम मेमे पेन, इसका पूरा नाम है बेटा एनेलम मेमे पेन, ये आपका नाम है साइंटिस्ट का, जिसने 1833 में सबसे पहले किसकी खोज की, आप कहेंगे सर एंजाइम की खोज की। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एंजाइम की खोज करने वाला कौन है, एनेलम मेमे पेन, ये उस साइंटिस्ट का नाम है। और बेटा इसने जो एंजाइम खोजा, तो आप उसका नाम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर उस एंजाइम का नाम होता है डायस्टेज एंजाइम। ये आपका क्वेश्चन आ गया क्या कि सबसे पहले खोजा गया एंजाइम्स का नाम बताएं, तो सबसे पहले जो एंजाइम्स खोजा गया है उसका नाम है डायस्टेज एंजाइम, और डायस्टेज एंजाइम जो है वो आपका एनेलम मेमे पेन ने 1833 में सबसे पहले डायरेक्ट खोजा। तो बेटा सबसे पहला खोजित हम कह सकते हैं कि सबसे पहले एंजाइम जो खोजा गया, तो सबसे पहले जो एंजाइम खोजा गया उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर डायस्टेज एंजाइम है। और ये डायस्टेज एंजाइम क्या काम करता है, तो आप कहेंगे सर जो हमारा स्टार्च होता है, इसका फंक्शन और देख लो बेटा, अपने पास क्या होता है स्टार्च, और बेटा उस स्टार्च को ये किस में बदल देता है, आप कहेंगे सर ये उसको माल्टोज में बदल देता है, ये इसका काम है। कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टार्च का पाचन माल्टोज में किस एंजाइम के कारण होता है, तो आप यही कहेंगे डायस्टेज एंजाइम। अब आपका यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बेटा, क्या आपसे वो क्वेश्चन कहता है, क्या आपने भी अक्सर ये पढ़ा होगा कि
कि मनुष्य की जो जीभ होती है उस जीभ के अंदर लार होती है या लार रस होती है, सलाइवा जिसको कहते हैं, और उस लार के अंदर सर टाइलिन एंजाइम होता है जो इस स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में बदलता है। तो बेटा ये फिर कैसे हुआ? तो आप यही कहेंगे क्या कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। अगर आपका क्वेश्चन बोला जाए कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, फिर से सुनो, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, तब तो आपके पास ऑप्शन होगा टाइलिन, क्योंकि वो लार में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि मनुष्य की लार में, तब बेटा आपका सीधा क्वेश्चन आएगा कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाले एंजाइम्स का नाम बताइए। तो बेटा वो लार की बात नहीं कर रहा है, अब वो सलाइवा जूस की बात नहीं कर रहा है, अब वो केवल बात कर रहा है स्टार्च को किस में बदलना, माल्टोज में। यानी कि ये जो क्रिया है ये मानव शरीर के अंदर ना होकर मानव शरीर के बाहर की बात कर रहा है। तो जब बाहर की बात करेगा तो डायरेक्ट लिखेगा कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा डायस्टेज एंजाइम, जो सबसे पहले 1833 में पेन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया। ये बात ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात देखिए, आगे चलिए, जब बात बढ़ जाती है और बात पहुंच जाती है कहां पर, आप कहेंगे सर 1877, और 1877 में एक दूसरा साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है विली वेम, या इसको बेटा आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं विली हेम, और इसका पूरा नाम होता है कुहने। ध्यान से देखिएगा, विली वेम या विली हेम कुहने, तो चाहे इस नाम के साथ ये जोड़ दो, चाहे इसके साथ ये जोड़ दो, तो एक्चुअल में इसका जो नाम होता है वो होता है विली वेम। तो विली वेम कुहने ने 1857 में सबसे पहले कौन सा शब्द दिया था? आप कहेंगे सर एंजाइम शब्द को खोजा, या आप कह सकते हैं एंजाइम शब्द का सबसे पहले क्या किया था? आप कहेंगे सर प्रयोग किया। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एंजाइम शब्द को प्रयोग करने वाला या खोजने वाला वो तो है विली वेम कुहने, और एंजाइम्स को डायरेक्ट रूप से खोजने वाला कौन है? तो आप कहेंगे सर जिसका नाम है एनेलम मेमे पेन। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, ये एक ही साइंटिस्ट का नेम है जिसने सबसे पहले 1827 में एंजाइम शब्द को खोजा था या प्रयोग किया था, लेकिन एंजाइम्स का जो जनक है वो हम किसको बोलते हैं? आप कहेंगे सर फादर ऑफ एंजाइम्स एनेलम मेमे पेन के नाम से जाना गया है। ये आप ध्यान रखें, इसको हम सब कुछ मान के एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर जो है हम इसकी और प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एक एक चीज है बेटा जो आपका क्लियर करना बहुत जरूरी है, कहीं जाइएगा मत, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपने इसका जवाब भी दिया है। अब कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो अक्सर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए बेटा आराम से देखिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको पाचन तंत्र में जितने भी एंजाइम्स आएंगे या उनका जो भी फंक्शन आएगा वो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम्स टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो सभी एग्जाम्पल्स की हम जो बात करेंगे वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो एक तरफ तो कर देते हम एंजाइम्स, और एक तरफ कर देते हम उसके यूजेस, कि कौन सा एंजाइम जो है कौन सा कार्य करता है या उसका कहाँ पर यूज हुआ है। तो देखिएगा बेटा, गिरीश कुमार गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अजय गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शाबाश। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि पहला एंजाइम जिसका नाम आपने सुना होगा और उसका नाम है रेनिन, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई
रेनिन एंजाइम का कार्य बताइए। तो आप एक ही काम लिखेंगे कि रेनिन एंजाइम जो होता है वो हमेशा या तो क्या करेगा, आप कहेंगे सर दूध का पाचन करता है, और दूध का पाचन का मतलब है बेटा कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन है, कैसीन, तो बेटा उसका पाचन करेगा, तो कैसीन का पाचन लिख दीजिए, या आप ये कह सकते हैं दूध का पाचन। एक बात ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि चाहे दूध का पाचन आ जाए या दूध में उपस्थित प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम होता है कैसीन, उसका भी पाचन कौन करता है, रेनिन। और बेटा एक बात देखिए, एक दूसरा काम और होता है इसका, क्या आप कहेंगे सर चीज, बेटा चीज, और चीज को हम लिख सकते हैं पनीर, ध्यान से देखिएगा, चीज को हम क्या लिख सकते हैं, पनीर, तो बेटा पनीर के निर्माण में, पनीर के निर्माण में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, आप कहेंगे सर रेनिन एंजाइम का। तो बेटा यहां से क्वेश्चन दो तरीके से राइज हो सकता है, क्या आप कहेंगे सर कि दूध का पाचन बच्चों में है या वयस्क में है, तो बेटा आप कहेंगे दूध का पाचन होता है किसमें, छोटे बच्चों में, जो माँ के दूध में होता है रेनिन एंजाइम, तब जाके दूध का पाचन बच्चों में होता है। और ऐसे ही मैं कह दूं चीज या पनीर के निर्माण में, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन एंजाइम। इसी तरह से अभी बेटा एक नाम बताया था आपका, और वो क्या होता है, आप कहेंगे सर डाइस्टेज एंजाइम, तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि डाइस्टेज एंजाइम जो होता है वो मुख्य रूप से क्या काम करता है, आप कह रहे थे सर स्टार्च, और स्टार्च का पाचन करके उसको किस में बदल देता है, आप कहेंगे सर स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, ये बात आप ध्यान से देखेंगे, परिवर्तित करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि तीसरा एंजाइम होता है टाइलिन, ध्यान से देखिएगा, टाइलिन, या इसी का दूसरा नाम होता है एमाइलेज, ध्यान से देखिए, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, तो आप यही कहेंगे सर टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम जो है ये भी स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो हम कहेंगे स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में। लेकिन बेटा अब फिर आपका चेंज हो गया, क्या कि टाइलिन या एमाइलेज जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, आप कहेंगे सर मानव में लार में उपस्थित होता है, और लार को बोलते हैं सलाइवा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर उपस्थित है। तो मनुष्य के शरीर में जो जीव होती है उस जीव के अंदर टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है जो बेटा स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, लेकिन ये जो एंजाइम है डाइस्टेज ये मनुष्य की जीव पर नहीं होता, ये नेचर के अंदर होता है, जो भी स्टार्च को किस में बदल देता है, आप कहेंगे सर माल्टोज में बदल देता है। ऐसी बेटा एक नाम और देखिए जिसका नाम होता है जाइमेज, या जाइमेज भी बोल सकते हैं इसको, या बेटा जाइमेज भी बोल सकते हैं, तो जाइमेज या जाइमेज एंजाइम जो होता है वो क्या काम करता है बेटा, आप कहेंगे सर हमारे पास होती है ग्लूकोज, और बेटा ग्लूकोज को किस में बदल देता है, आप कहेंगे सर एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर C2H5OH, या बेटा इसी चीज को हम CH3CH2OH, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 लिख सकते हैं, तो इस चीज को इसमें बदलता है, में परिवर्तित करता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे परिवर्तन। तो बेटा ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जाइमेज या जाइमेस एंजाइम का यूज करते हैं, क्यों, अब एक बात देखो, शराब में कौन सी एल्कोहल पाई जाती है, एथिल एल्कोहल, तो बेटा यहीं पर एक क्वेश्चन और बना दो, क्या कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि मदिरा स्प्रिट किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन बन गया बेटा, मदिरा स्प्रिट किसको कहते हैं, तो मदिरा स्प्रिट जो है बेटा वो हम एथिल एल्कोहल को कहते हैं,
तो चाहे आप इसका फॉर्मूला लिख दें, चाहे बेटा इसका नाम लिख दें, तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि मदिरा को बनाने वाली या मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाली एल्कोहल का नाम बताएं। तो मदिरा स्प्रिट बोल दो इसको, एथिल एल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है। एक जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिएगा बेटा। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट, हो गया, जल्दी कीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो लड़ाई है आपकी, ये इस बात पर मैटर नहीं करती कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये इस बात पर मैटर करेगी कि इन दिनों में किसने पढ़ाई को जारी रखा और कितना जो है आपका माइंड सेट तैयार हुआ जब आप एग्जाम फाइट करने जाएंगे। तो ये बात देखिए, टेक्निकल गुरु गुड मॉर्निंग सर, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, शाबाश। देखिए अगला जो एंजाइम है उसका नाम है माइकोडर्मी। क्या नाम है बेटा? आप कहेंगे सर माइकोडर्मी। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे एंजाइम का नाम है, हमारे पास होती है बेटा चुकंदर। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है चुकंदर और बेटा चुकंदर को किसमें बदलता है ये? आप कहेंगे सर विनेगर, और विनेगर को क्या बोलते हैं आप? सिरका। तो चुकंदर को सिरका में परिवर्तित करता है, ये आप ध्यान से देखिएगा, परिवर्तित करता है, ये आपका हो जाएगा ऐसे। चुकंदर से बेटा सिरका बनाने में माइकोडर्मी नाम के एंजाइम्स का काम होता है। नीतू यादव, यस सर, ठीक है। इसी तरह से हम कहेंगे क्या, एक होता है बेटा जिसका नाम है पेप्सिन। ध्यान से देखिएगा, ये आपने सुना होगा पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है। तो आप कहेंगे सर पेप्सिन जो होता है वो हमारे स्टोमक में पाया जाता है, अमाशय में, और अमाशय के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसको पेप्टाइड में बदलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हमारा जो स्टोमक होता है, अमाशय को बोलते हैं बेटा स्टोमक, और ये हमारे स्टोमक में क्या काम करेगा? आप कहेंगे सर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को किस में बदल देता है? आप कहेंगे सर पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है, ये आप ध्यान से देखिएगा, बदलता है। पेप्सिन जो है बेटा वो हमारे स्टोमक में क्या काम करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा। इसी तरह से एक आपका होता है, नाम सुना होगा इरेप्सिन, और इरेप्सिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारी इंटेस्टाइन, और बेटा इंटेस्टाइन को बोलते हैं आंत, ये बात ध्यान रखेंगे, इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन यानी कि आंत में प्रोटीन पर ही काम करेगा, और उस प्रोटीन को किस में बदल देगा? आप कहेंगे सर अमीनो एसिड में, ये बात ध्यान रखेंगे, अमीनो एसिड में बदलता है। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में, लेकिन बेटा कहाँ पर बदलता है ये? इंटेस्टाइन, आंत में बदलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चीजों को आप पढ़ते समय अंडरलाइन कर ले, चीजों को पढ़ते समय अंडरलाइन कर ले, तो जब भी आपकी नज़र आपके नोट्स पर जाएगी जो आप तैयार कर रहे हैं, तो वो हमेशा उन्हीं चीज़ों को पढ़ेगी और बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेप्सिन हो गया, एरेप्सिन हो गया, ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, आप कहेंगे सर लाइपेज। ध्यान से देखिएगा, लाइपेज एंजाइम, तो ये क्या काम करता है? हमारे शरीर में जो फैट होती है, वसा, तो आप कहेंगे सर वसा का पाचन करने में कौन सा एंजाइम काम करता है? आप कहेंगे सर लाइपेज एंजाइम जो है वो काम करता है लाइपेज के लिए। और एक नाम होता है बेटा जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ध्यान से देखिए,
और ट्रिप्सिन जो होता है बेटा वो हमारे पैनक्रियाज में होता है, पैनक्रियास, और पैनक्रियास को बोलते हैं अग्नाशय, पैनक्रियास। तो बेटा वो अग्नाशय को ऐसे हिंदी में भी लिख सकता है पैनक्रियास। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम में वर्डिंग जो है वो कैसी भी दे सकता है, आपको हर तरीके से तैयार होना है। तो अग्नाशय में क्या पाया गया है, आप कहेंगे जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को फिर किस में बदल देता है, ये आप कहेंगे सर अमीनो एसिड में बदल देता है, अमीनो एसिड में, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। इसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए क्या लैक्टोबेसिलस, ध्यान से देखिएगा बेटा लैक्टोबेसिलस, बेटा ये जीवाणु भी होता है, लैक्टोबेसिलस एक जीवाणु है जो आपके दूध को किस में बदल देता है, आप कहेंगे सर दूध को दही में बदल देता है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम या जीवाणु पूछ ले तो आप कहेंगे सर परिवर्तित करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, दूध को दही में बदलने वाला, चाहे जीवाणु पूछ ले चाहे बेटा आपका एंजाइम पूछ ले, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर नाम होगा उसका लैक्टोबेसिलस। और बेटा एक बात का ध्यान रखें, दूध का दही में बदल जाना क्या कहलाता है, तो बेटा दूध का दही में बदल जाना फर्मेंटेशन, बेटा ये आप इम्पोर्टेंट देखें, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आप, तो आप कहेंगे सर किण्वन, ये बात ध्यान रखेंगे, किण्वन प्रक्रियाओं के दौरान जो दूध है बेटा वो आपका दही में बदल जाता है, और किण्वन प्रक्रिया में ऐसा बैक्टीरिया या बेटा ऐसा एंजाइम जो ये काम करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोबेसिलस हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा जो अक्सर कंफ्यूजन करते हैं, तो आप अभी से क्लियर कर लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिएगा। शाबाश बेटा, जल्दी से काम करिएगा। शाबाश, चलिए बेटा दो तीन और पढ़ लेते हैं उसके बाद। सर मिल्क वाला दोबारा बताना। देखिए गिरीश कुमार बेटा, हम ये जानते हैं कि जब हम जीवाणु टॉपिक पढ़ते हैं बैक्टीरिया, तो हम बात करते हैं लैक्टोबेसिलस जीवाणु की, लेकिन बेटा मैंने आपको ये बताया क्या कि अब हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। तो कल को अगर क्वेश्चन ऐसे लिख दे कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम बताइए, तो बेटा ये तो हम जानते हैं कि जो आपका लैक्टोबेसिलस है वो जीवाणु है, लेकिन बेटा हम इसको एंजाइम्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन से बनी हुई श्रृंखला होती है, और जो प्रोटीन से निर्मित हो बेटा वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और हर हाल में एंजाइम भी हो सकते हैं। तो लैक्टोबेसिलस बेटा प्रोटीन से निर्मित है, इसलिए प्रोटीन के आधार पर लैक्टोबेसिलस को हम जीवाणु भी पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ एंजाइम्स भी पढ़ सकते हैं। और बेटा दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है वो आप पढ़ चुके हैं कि दूध के अंदर कैसीन होता है, और उस कैसीन को किस में बदल देता है बेटा, दही में। और इसका मतलब ये हुआ कि दूध तो दही में बदल गया, तो बेटा दूध का प्रोटीन भी चेंज हुआ है। और कल को अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई दही का, दही में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे पैरा कैल्शियम कैसीनेट, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा पैरा कैल्शियम कैसीनेट, ये आपका दही में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है, पैरा कैल्शियम कैसीनेट। ये क्वेश्चन और बन गया, दूध में पूछ ले कौन सा प्रोटीन है कैसीन, और दही में पूछ ले तो नाम किसका आएगा, पैरा कैल्शियम कैसीनेट। तो कैसीन को इसमें बदलने का काम किसने किया, लैक्टोबेसिलस ने, जो जीवाणु भी है और एंजाइम भी। और इस क्रिया को किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे सर फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन के नाम से, और बेटा किण्वन जब ये हो जाए उसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन, आप हमेशा ध्यान रखें। कृष्ण कुमार आई होप आप समझ गए होंगे।
आगे चलें। चलिए बेटा दो तीन और प्रोटीन जान लेते हैं या एंजाइम्स जान लेते हैं जो और तरीके का काम करता है। तो देखिए चलिए देखिए, एक होता है बेटा जिसका नाम है यूरिएज। यूरिएज ध्यान से समझिएगा बेटा, ये क्या है, ये भी एंजाइम है। तो यूरिएज क्या होता है भाई, आपका यूरिया है और यूरिया का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, NH2CONH2, यही तो फॉर्मूला होता है यूरिया का। और मैं ये कह दूं यूरिया को किस में तोड़ने के लिए, तो बेटा एक तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसके साथ साथ बेटा एक इसमें क्या होता है H2O पानी। तो ध्यान से देखिएगा CO2 और H2O में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है। आप कहेंगे सर यूरिया को CO2 और H2O में बदलने के लिए यूरिएज नाम के एंजाइम का प्रयोग होता है बेटा, यूरिएज नाम के एंजाइम्स का यूज होता है। ऐसे होता है क्या, न्यूक्लियो, ध्यान से देखिएगा न्यूक्लियो न्यूक्लियो एज न्यूक्लियो एज। और न्यूक्लियो एज क्या काम करता है बेटा, आप फिर कहेंगे कि हमारे न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है आरएनए दूसरा होता है डीएनए। तो कल को मैं ये कह दूं आरएनए व डीएनए को किसमें बदलने के लिए, न्यूक्लियोटाइड, ध्यान से देखिएगा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में बदलने के लिए, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में बदलने के लिए या बनाने के लिए या बनाने। तो आप ये बेसिक बेसिक जो बातें हैं बेटा वो आप ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियोएज एंजाइम क्या काम करता है। एक होता है बेटा, एक नाम होता है अल्फा एमाइलेज, ध्यान से देखिएगा अल्फा एमाइलेज माइलेज। और ये क्या काम करेगा, आप कहेंगे सर हमारे पास होता है स्टार्च, तो स्टार्च से, तो आप सिनेमा हॉल में गए होंगे और मीठे जो कॉर्न होते हैं है ना, स्टार्च से मीठे कॉर्न बनाने में जब आपका 5 या 10 मिनट का ब्रेक होता है, इंटरवल होता है, तो आप खाने की चीजें एक कॉर्नर से लाते हैं जिसको हम स्वीट कॉर्नर के नाम से जानते हैं। तो बेटा स्वीट कॉर्न जो होता है वो किससे बना हुआ है, स्टार्च से, और स्टार्च से स्वीट कॉर्न बनाने में किसका यूज होता है, आप कहेंगे सर अल्फा एमाइलेज का यूज होता है। और ऐसे ही एक नाम होता है बेटा इंसुलिन, ध्यान से देखिएगा एक नाम होता है इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है, आप कहेंगे सर इंसुलिन एक तरह से आपका क्या है, हार्मोन है। यहां पर एक क्वेश्चन बन गया कि इंसुलिन एक तरह से क्या है बेटा, हार्मोन है, और इसके साथ साथ ये क्या है, आप कहेंगे सर प्रोटीन से निर्मित है, लेकिन बेटा इंसुलिन जो है वो आपका किसी तरह का एंजाइम नहीं होता, किसी तरह का एंजाइम नहीं होता इंसुलिन। ये क्वेश्चन देखिए, ये प्रोटीन से जरूर बना है लेकिन बेटा ये कहीं पर भी एंजाइम्स की तरह काम नहीं करता, इंसुलिन हमेशा हार्मोन की तरह काम करता है। और इसका अग्नाशय से निष्कासित हुआ ये पैनक्रियाज से, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर पाई जाती है ग्लूकोज उसके लेवल को कंट्रोल करता है। तो रक्त शर्करा जिसका नाम है बेटा ग्लूकोज, उसको क्या करता है, आप कहेंगे सर उसको कन्वर्ट कर देता है या उसका लेवल जो है बेटा वो डिक्लेयर करता है। और एक लास्ट बात मैं आपको और बता दूं, क्या नाम आता है इन्वर्टेज, ध्यान से देखिएगा बेटा नाम आता है इन्वर्टेज एंजाइम। अब ये क्या है, ये क्या है, देखिए बेटा मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था,
और कार्बोहाइड्रेट में एक नाम आया था सुक्रोज, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक नाम आया था सुक्रोज, और बेटा सुक्रोज को किसमें, तो सुक्रोज दो चीजों से मिलकर बनी थी, पहला नाम था बेटा ग्लूकोज और दूसरा नाम क्या था, आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज। तो कल को यही क्वेश्चन आ गया कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करने में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो आप कहेंगे सर परिवर्तित में आपका इन्वर्टेज, और बेटा मैंने इसको क्या नाम दिया था, इन्वर्ट शुगर, ध्यान हो आपको, सुक्रोज को हमने क्या नाम दिया था, इन्वर्ट शुगर, और बेटा इसको हिंदी में हमने ये भी लिखा था अपवर्त शर्करा किसको कहते हैं, तो अपवर्त का मतलब होता है उल्टा करना, तो इन्वर्ट का मतलब है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। बिल्कुल गिरीश कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका एकदम करेक्ट है आपने बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा ये एक बार इसकी और क्या है, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सही जवाब आपका गिरीश कुमार, शाबाश। तो बेटा ये आपका जो एंजाइम है उसके ये एग्जाम्पल थे बेटा, उसके ये वर्किंग थे, उसकी खोज किसने की, उसको नाम किसने दिया, उसके अध्ययन को हमने क्या कहा, क्या सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन बेटा सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स नहीं हो सकते, आपको बता दिया रेशेदार प्रोटीन जो होता है उसका कोई भी नाम एंजाइम्स की तरह काम नहीं करता, तो हमने नाम बताया था बाल ऊन और रेशम जिसमें क्रिएटिन होता है, एक नाम आया था फाइब्रोनोजन, एक नाम आया था कोलेजन, तो बेटा ये ऐसे नाम है जो प्रोटीन है लेकिन एंजाइम्स नहीं है, और इनको हमने क्या कहा है, आप कहेंगे सर इसको हमने कहा है जिसका नाम क्या है कि ये गोलिकाकार ग्लोबुलर, तो गोलिकाकार या ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो ही आपके एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, प्रोटीन से निर्मित है, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो बेटा ये अपना टॉपिक था, और टॉपिक के साथ अब हम इसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं, एक बार देखिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बेटा टॉपिक देखिए, अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, बेटा जाइए मत कहीं भी, ये टाइम आपके पास है ना, बिना पैसे के, या आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल शांत माहौल में घर बैठकर आपके आने जाने का जो टाइम है वो बेटा बच जा रहा है, और आप अच्छे से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम इसका क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा सबसे यही आ गया क्या, सबसे पहले खोजा गया एंजाइम्स का नाम बताएं, एंजाइम कौन सा है एं? तो बेटा यहीं पर ऑप्शन हो गया क्या, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज, दूसरा नाम दे दिया डाइस्टेज, तीसरा नाम दे दिया इंसुलिन, और चौथा नाम दे दिया जैसे आप कहेंगे जाइमेस, चार ऑप्शन हो गए, तो शाबाश, इसका बताइए आंसर जल्दी से, शाबाश जल्दी से बताइए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, क्या स्टार्च को माल्टोस में एंजाइम परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, फिर आपका एक ऑप्शन आ गया जैसे टाइलिन, दूसरा आ गया बेटा एमाइलेज, या मैं कह दूं अल्फा एमाइलेज, तीसरा नाम आ गया बेटा इन्वर्टेज, और इसी तरह से चौथा ऑप्शन और है क्या, आप कहेंगे स्टार्च को माल्टेज में, एक नाम लिख दिया बेटा डाइस्टेज,
ठीक है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, क्या जैव उत्प्रेरक की संज्ञा दी गई है, संज्ञा या उपनाम दिया गया है, तो बेटा किसको दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका हार्मोन, दूसरा नाम है बेटा प्रोटीन, तीसरा नाम है एंजाइम, और चौथा नाम है बेटा क्या आप कह सकते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ऐसे ही बेटा अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या एंजाइम का जनक किसको कहते हैं, फादर ऑफ एंजाइम्स? पहला है बेटा उहने, दूसरा नाम है बेटा एने लेवेम पेन, तीसरा नाम है बेटा बुनकर, और चौथा है सभी। ऐसे ही आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है लास्ट, क्या अगर हम ये कह दें स्टार्च, क्या मैं ये कह दूं क्या आरएनए व डीएनए से न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाता है, एंजाइम बनाता है? तो बेटा उसका फिर है ऑप्शन क्या, पहला है न्यूक्लियोएज, इसी है बेटा जिसका नाम है एमाइलेज, तीसरा है बेटा यूरिएज, और चौथा है सभी। ये बेटा आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसमें से टॉपिक में से जो है बेटा वो अच्छे से छांट सकते हैं या आप आंसर दे सकते हैं सारा टॉपिक में से ये बेटा, तो जल्दी से प्रवेश टेक्निकल गुरु रवीना नीतू संजय बेटा आप सभी से उम्मीद है कि टॉपिक आपने पढ़ा है, बीच में आप कहीं नहीं गए, तो जल्दी से मुझे इसका जो आंसर है वो पहले वाले का दीजिए कि सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है। शाबाश शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। जो जो ऑनलाइन है बच्चे प्लीज उनका जवाब दीजिएगा। आपके पास ऑप्शंस है, थ्योरी मैंने आपको बताई दी, टॉपिक मैंने आपका क्लियर करवाई दिया। शाबाश, फर्स्ट का बी कुलदीप सैनी, नीतू यादव ने कहा है फर्स्ट का बी। तो बेटा एक बात देखिएगा, सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है, आप कहेंगे सर डायस्टेज, ये बिल्कुल सही जवाब है बेटा। डायस्टेज जो है वो बेटा 1833 में खोजा गया, 1833 के अंदर सबसे पहले खोजा गया, वेरी गुड, सही जवाब है नीतू। दूसरा क्वेश्चन है बेटा स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो आपका ऑप्शन है टाइलीन, अल्फा एमाइलेज, इन्वर्टेज या डायस्टेज। शाबाश बेटा, स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है, अभी मैंने आपको टेबल बनवाई थी और उस टेबल के अंदर वर्किंग वगैरह लिखवाई थी। शाबाश, शाबाश बेटा, बेटा टाइलीन करता है, अल्फा एमाइलेज करता है, इन्वर्टेज करता है या डाइस्टेज करता है? सेकंड का डी अल्फा एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। रवीना कुमारी बी, और ये ग्रीष कुमार फोर्थ आंसर। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने बताया टाइलीन जो होता है वो मनुष्य की जीभ पर होता है, लार में, तो बेटा क्वेश्चन में मनुष्य की जीभ या लार का नाम नहीं है, तो बेटा टाइलीन आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बेटा अल्फा एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को किसमें एमाइलेज, अभी आपको टेबल देखो बेटा किसमें कन्वर्ट करता है। शाबाश,
अल्फा ए माइलेज। बेटा मैंने बताया था स्टार्च से अगर आपको क्या बनाना हो, स्वीट कॉर्न, मीठा कॉर्न बनाने में इसका यूज होता है, तो बेटा ये इसका आंसर नहीं हो सकता। स्टार्च से स्वीट कॉर्न बनाने में यूज हुआ है, इन्वर्टेज नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे सर डाइस्टेज। तो गिरीश कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डाइस्टेज 1833 में खोजा गया सबसे पहला एंजाइम है जो क्या काम करता है, स्टार्च को डायरेक्ट किस में बदल देता है, माल्टेज में। तो गिरीश कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डाइस्टेज। अगला है जैव उत्प्रेरक की संज्ञा या उपनाम किसे दिया गया है? हार्मोन्स को कहते हैं जैव उत्प्रेरक, प्रोटीन्स को कहते हैं, एंजाइम्स को कहते हैं, या बैक्टीरिया को? शाबाश, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए। किसको हम जैव उत्प्रेरक का नाम देते हैं, प्रोटीन्स को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, या जीवाणु को? शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया शाबाश। गिरीश कुमार, रवीना, नीतू, कुलदीप, बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन लिखिए और कोशिश कीजिए। सही है, गिरीश कुमार है फोर्थ, बैक्टीरिया को। बेटा गिरीश कुमार जल्दी से जवाब दो, ये तो पहले वाले का ही आंसर है आपका, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है आपका। शाबाश बेटा, जैव उत्प्रेरक किसको कहते हैं, हार्मोन्स को, प्रोटीन को, एंजाइम को, या जीवाणु को? पहले नाम आया है रवीना कुमारी, ए ऑप्शन। बेटा हार्मोन को कब कह दिया हमने जैव उत्प्रेरक, हमने तो अभी एंजाइम टॉपिक डिस्कस किया है। गिरीश कुमार बिल्कुल सही जवाब है बेटा। रवीना, अभी हमने एंजाइम पढ़ाया है और हम उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका आंसर कैसे हो गया? हाँ शाबाश, डिलीट कर दिया। बेटा हार्मोन्स को नहीं कह सकते हम, बेटा मैंने बताया सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन बेटा सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता प्रोटीन, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, एंजाइम्स होगा। और हम यहाँ पे जीवाणु भी नहीं सेलेक्ट कर सकते, एंजाइम्स को ही हम क्या कह सकते हैं, जैव उत्प्रेरक, जो क्रियाएं होती है पाचन क्रियाएं या शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को धीमा या तेज कराने का काम करता है, एंजाइम्स होता है बेटा। ऐसे ही एंजाइम्स का जनक किसको कहते हैं, फादर ऑफ एंजाइम्स? शाबाश बेटा, कुहने, एने लंगवेन, या बेटा हम कह सकते हैं बुनकर, या सारे ऑप्शन। शाबाश, आप चाहें तो इसको वेम या मेमे भी कह सकते हैं, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको मेमे भी कह सकते हैं। शाबाश, बताइए। शाबाश बेटा, कुहने ने एंजाइम्स की खोज की, या पेन नाम ने, या बुनकर ने, या आपका बेटा, सभी ऑप्शन सही है। शाबाश, शाबाश, जल्दी से कमेंट कीजिएगा बेटा। ये टॉपिक में से ही है, टॉपिक से बाहर हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं। रवीना ए, कुहने। शाबाश रवीना ए। बेटा रवीना एक बार सोच लो थोड़ा सा, क्या मैंने यही पढ़ाया है आपको? जल्दबाजी मत करो क्वेश्चन जो है बेटा टाइप करने में आंसर, पहले सोचो कि पढ़ाया क्या है, किस चीज का आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें क्या बातें लिखी हुई है, ये आप समझे। बेटा कुहने वो साइंटिस्ट था जिसने 1833 के अंदर, या बेटा मैं ये कह दूं 1877 के अंदर, कुहने ने 1877 में एंजाइम शब्द की संरचना या प्रयोग किया था, लेकिन बेटा खोजने वाला पहला जो है वो नाम अलग है, और उसका नाम बताया था मैंने क्या, एने लैमेने पेन। ये वो साइंटिस्ट है बेटा जिसने सबसे पहले किस एंजाइम की खोज की थी, आपका आंसर हो जाएगा डाइस्टेज। बेटा बुनकर कैसे, गिरीश कुमार, गिरीश कुमार फोर्थ कैसे हुआ,
ये अभी पढ़ाया गया है, अभी ये पढ़ाया गया है बेटा कि 1833 में पहला जो एंजाइम खोजा गया था वो डायस्टेज नाम से खोजा गया था, और इसको खोजने वाला एनेलम मेमे वे पेन के नाम से साइंटिस्ट है। अगला क्वेश्चन है बेटा, आरएनए व डीएनए से न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कौन सा एंजाइम बनाता है? तो बेटा पहला है न्यूक्लियोएज, एमाइलेज, यूरिएज या सभी? शाबाश शाबाश बेटा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। आरएनए और डीएनए को न्यूक्लियोटाइड अमल बोल सकते हैं या उसको बेटा श्रृंखला चेन जिसको हम बोलते हैं, तो ए पक्का सर, वेरी गुड। रवीना इस बार आपका जवाब ठीक है बेटा। न्यूक्लियोएज एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए और डीएनए, बेटा नाम से इंडिकेट हो रहा है कि आपका न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए, और न्यूक्लिक नाम आ रहा है तो आपका और कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो हैं वो राइज हो सकते हैं, वो आपको जवाब पता होना चाहिए एक लाइन देखकर। वो आपका बेटा इन्वर्ट शुगर किसको कहते हैं ये बताइए, इन्वर्ट शर्करा किसको कहते हैं? शाबाश, इन्वर्ट शुगर किसको कहते हैं? इन्वर्ट शुगर बताइए बेटा, इन्वर्ट शर्करा किसको कहते हैं? ऑप्शन है बेटा माल्टोज, दूसरा है बेटा फ्रुक्टोज, तीसरा है बेटा सुक्रोज, या बेटा एक नाम और दे सकते हैं गैलेक्टोज। शाबाश, ये ऑप्शन है, छांटिए इसमें से। शाबाश, इसमें से इन्वर्ट शुगर किसको कहते हैं बेटा? अभी पढ़ाया हुआ है आपको इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज, सुक्रोज, रवीना ग्रीश बिल्कुल सही जवाब है बेटा, और हम इसका आंसर लगा सकते हैं सुक्रोज। और कल को आपसे ये कह दिया जाए क्या कि बेटा इन्वर्ट शुगर क्या ना, तो ये सुक्रोज को किस में बदल देता है बताइए बेटा? सुक्रोज को अगर तोड़ दिया जाए तो कौन से दो आपके रिएक्टेंट बनेंगे, किन दो चीजों से मिलकर सुक्रोज बना है अभी बताया गया आपको। शाबाश शाबाश बेटा, बताइएगा सुक्रोज को अगर तोड़ दिया जाए तो किन दो चीजों में टूटता है ये? ग्रीष, रवीना, शाबाश, सुक्रोज किन दो चीजों में टूटता है? गैलेक्टोज में और फ्रुक्टोज में। रवीना ये कैसा जवाब हुआ? फ्रुक्टोज तो सही है लेकिन आपका, हाँ ग्रीस बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये आपका किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है, और इसके साथ साथ ये किस में टूटेगा? आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज में टूटेगा, ये दो चीजें बनती है, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? ग्लूकोज का जी ले ले, फ्रुक्टोज का क्या ले ले एफ, और सुक्रोज का स्टार्टिंग का ले ले एस। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जी से निकला गर्ल, एफ से निकला फ्रेंड, एस का मतलब साथ है, तो आप इसको याद कर सकते हैं गर्ल फ्रेंड साथ है, याद हो तो गया, गर्ल फ्रेंड आपकी क्या है? आपके साथ है, तो ये याद हो गया बेटा। ऐसे ही अगर आपसे फिर पूछ लिया जाए, ठीक है बेटा, रवीना बस गलती मत करो, है ना, आराम से आंसर दो, गलती से मत टाइप करो आप, यही है, तो इसको याद कर सकते हैं गर्ल फ्रेंड साथ है, कर दिया। ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे कहूँ, क्या एक आपका होता है लैक्टोज,
बताइए बेटा लैक्टोज किन दो चीजों से मिलकर बना है, नाम बताइएगा आप जल्दी से, किन दो चीजों से मिलकर बना है। आप किसकी क्लास है सर? बारह बजे शाबाश। लैक्टोज किन दो चीजों में टूटता है, देखो ना टाइम टेबल क्या है। शाबाश रवीना, ग्रीश और भी कई बच्चे, कुलदीप शाबाश। लैक्टोज किन दो चीजों से मिलकर बना है, या ये किस में सर? ग्लैक्टोज प्लस में फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज प्लस में फ्रुक्टोज, सही है क्या ये जवाब? लैक्टोज। और बताइए रवीना, शाबाश। बेटा मैंने बताया दूध पीने से दिमाग तेज होता है, तो एक बार बताओ दूध में क्या पाई जाती है? लैक्टोज। बेटा दूध में क्या पाई जाती है? लैक्टोज। और दिमाग तेज हो रहा है, तो दिमाग जो तेज हो रहा है तो दिमाग में तो कौन सी होती है? गैलेक्टोज। और बेटा मैंने हमेशा बताया है ग्लूकोज तो कॉमन ही रहेगा, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दोनों से मिलकर बनी है बेटा। ग्रीस फ्रुक्टोज का कहा नाम आ गया? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें बेटा। एक ग्लूकोज होगा, दूसरा गैलेक्टोज होगा। मैं नाम पढ़ रहा हूं कि दूध पीने से दिमाग, दूध का मतलब है लैक्टोज, दूध में होती है लैक्टोज, और उसको पीने से क्या है? दिमाग तेज होता है। तो बेटा ब्रेन शुगर किसको कहा था हमने? ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा, ग्लैक्टोज को कहा था। तो अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ग्लूकोज का ले लीजिए जी, ग्लैक्टोज का भी ले लीजिए जी, और लैक्टोज का ले लीजिए एल। तो बेटा एक बात बताओ, एसएससी कौन सा एग्जाम कराती है? सीजीएल। एसएससी कौन सा एग्जाम कराती है? सीजीएल। लेकिन आप एसएससी नहीं हो तो आप कौन सा एग्जाम कराएंगे? जीजीएल। बस आपको एस सी की जगह जी लगाना है बस। तो बेटा इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जीजीएल का मतलब है दोनों ही ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगी, इसमें एक ग्लूकोज तो कॉमन ही है इनमें, बस बेटा ये फ्रुक्टोज चेंज हो गई, ठीक है। और बेटा एक बात और बताइए, क्या माल्टोज किन दो चीजों से मिलकर बनी है? माल्टोज। शाबाश बेटा, बताइए यहां पर क्या आएगा, किन दो चीजों का नाम आएगा? माल्टोज, गिरीश, रवीना, शाबाश। माल्टोज किन दो चीजों से मिलकर बना है? रवीना, गिरीश, कुलदीप, शाबाश, बताइएगा। माल्टोज शाबाश। पांच बच्चे आप ऑनलाइन हैं फिर भी नहीं बता रहे हैं किससे मिलकर बनेगा। ग्लूकोज प्लस में सुक्रोज। बेटा इसमें सुक्रोज कहां से आ गया? रवीना सुक्रोज कहां से आ गया इसमें? ग्लूकोज, ये बात तो सही है, ग्लूकोज ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ग्लूकोज तो कॉमन है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बताइए, बेटा दूसरा भी ग्लूकोज ही होगा, ये कितनी बार बताया आपको? तो माल्टोज का एम ले लो, ग्लूकोज का जी प्लस जी ले लो, तो जी जी एम हो गया ये। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनाती है, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज बनाती है। बेटा जब लैक्टोज नाम आएगा तो गैलेक्टोज होना जरूरी है। यहां पे देखो लैक्टोज, यहां पे बेटा लास्ट में देखो केटोज, तो यहां पे भी देखो बेटा केटोज आ रहा है,
तो गैलेक्टोज होना बहुत जरूरी है, लैक्टोज में गैलेक्टोज ही होगा। यहां पे देखो ये, तो बेटा ये आपका जो है वो आपके प्रैक्टिस थी क्वेश्चनों की, और इसी के साथ जो है बेटा आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, फूड वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक बायोलॉजी का हो गया है, एक आपका किसका हो गया है, आप कहेंगे सर एक हमारा टॉपिक फिजिक्स का हो गया है, अगला एक टॉपिक हम जो है केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने जो कीमती टाइम हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बेटा, वेरी गुड, थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक बेटा, आपकी जॉब जल्दी से लग जाए, आप जल्दी से वेल सेटल्ड हो जाएं और फिर जो है अच्छे से जीवन आपका चले, बढ़िया चले। बात को यहीं पर रोकते हैं, बाय।